तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ोतरी है लेकिन मामूली है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए थे, तो जब हम परसेंटेज के तौर पे देखें तो इतने परसेंट ज्यादा लगता है, लेकिन नंबर्स के तौर पे जैसे मैंने बताया, पहले 6,000-7,000 केस होते थे, अब 500 के करीब केस हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, हम बहुत बारीकी से पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, जो भी करने की जरूरत है हम वो सारे कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जा रही है, और केंद्र सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी लगातार संपर्क में दिल्ली सरकार बनी हुई है, और उन सभी एक्सपर्ट्स से हम राय ले रहे हैं, और जो जो वो बता रहे हैं वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में केसेस कम हो गए थे तो थोड़ा बहुत ढिलाई आ गई थी पूरे सिस्टम के अंदर, आज सख्त आदेश जारी कर दिए गए कि भाई जो हमारा ट्रेसिंग आइसोलेशन वाला जो पूरा सिस्टम था उसको और सख्ती के साथ हमें लागू करना है, सर्वेलेंस को सख्ती के साथ लागू करना है, और एनफोर्समेंट बहुत सख्त करना है, जो मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सारी चीज़ें हमें अब सख्ती के साथ लागू करनी है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जनवरी के महीने से देश भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया, वैक्सीन लगाने के बाद काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आदमी को दोबारा कोरोना नहीं होगा, और वैक्सीन एक तरह से कोरोना से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका आज के डेट में है। तो एक तरफ तो अपने को वैक्सीन आ गई है, और दूसरी तरफ अगर कोरोना के केस बढ़ें तो ये सही नहीं है, तो आज उसके ऊपर भी चर्चा हुई। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को हम डेली लगा रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ तो हमारे अंदर सिस्टम के अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, और दूसरी तरफ जो लोग अभी भी लगवाने में हिचकिचा रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी लगवा लिया वैक्सीन, मेरे माता पिता ने भी लगवा लिया, किसी सब लोग सही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उल्टा अब हम सेफ हो गए हैं कोरोना से। तो एक तो सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग जो जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। ये जो 30 से 40 हज़ार पर डे वैक्सीन लग रहे हैं, अब इसको बढ़ा के हम 1,25,000 पर डे वैक्सीन लगाया करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर हम इसके लिए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सेंटर्स जो अभी लग रहे हैं दिल्ली के अंदर वो लगभग मोटे मोटे तौर पे प्राइवेट और सरकारी मिला के 500 सेंटर के ऊपर लग रहे हैं, इसको डबल किया जाएगा, 500 से 1,000 सेंटर्स के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। जो अभी सेंटर्स पे लग रहे हैं स्पेशली सरकारी सेंटर्स पे, वो 9 बजे से 5 बजे तक लगते हैं, अब इसको 9 बजे से रात को 9 बजे तक टाइम बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा लोगों को लगाया जा सके। केंद्र सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अभी उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी की हैं सेंटर्स की वो बहुत ज्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से नए सेंटर्स खोलने में दिक्कत हो रही है। अब तो अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस हो गया वैक्सीन लगाने का, इसके बेसिस पे हम केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अपने इन इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए ताकि और ज़्यादा सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा सके। सारी हिदायतें बरतेंगे, सब कुछ बरतेंगे, किसी के ऊपर किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे, लेकिन जिस जो शुरुआत में इतने वो जो प्रिकॉशंस लिए थे अब अगर थोड़ा ढील कर दिया जाए तो उसमें नए सेंटर्स खोलने में हम लोगों को मदद मिलेगी। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, और भी कई सेंटर्स को 24 घंटे चलने के लिए वो करेंगे। हम आज प्लान कर रहे थे कि केंद्र सरकार से पहले मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि एक तरफ हमारे देश ने वैक्सीन बनाने में इतनी बड़ी लीड ली है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट्स ने इतना अच्छा काम किया, और दूसरी तरफ अगर देश के अंदर कोरोना के केस बढ़ गए तो ये तालमेल नहीं खाती बात, ये हजम नहीं होती बात। तो अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि अब हमारे देश के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ गया है और अब ये वैक्सीन खोल देनी चाहिए, जो जो बताते हैं 18 साल से कम वालों को नहीं लगानी,
उनको छोड़ के अब हमें एक ऐसी, अभी हम ये लिस्ट जारी कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल है, कि 60 साल से ऊपर वाले एलिजिबल हैं, 45 साल से ऊपर वाले वो एलिजिबल है जो कोमोर्बिडिटी है, उसकी बजाय हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है, बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन, हमें अलाउ कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए, हर जगह केवल वॉक इन कर देना चाहिए, जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगती है ऐसे ये भी वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। अगर वो हम, अगर केंद्र सरकार अलाउ कर देती है वैक्सीन लगवाना किस सबको, और अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है, तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं।